गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी साइंस के टॉपिक में हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन बॉडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट, हम सभी जो भी अपनी बॉडी में मूवमेंट लेते हैं, अपने लेग्स को मोड़ना, अपने एल्बोस को मोड़ना और किसी भी सामान को उठाना या किसी भी चीज़ को करना जिसमें हमारी बॉडी से मूवमेंट होती है, वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है हमारी जॉइंट के थ्रू। हमारी बॉडी की ऐसे प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारा एल्बो हुआ, हमारी रिस्ट हुई, ये सभी हमारे जॉइंट के प्लेसेस होते हैं। जॉइंट्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जहाँ पे बोन्स मिलती तो है लेकिन वो पोर्शन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, फिक्स रहता, उसे हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं, जो कि हमारे स्कल में पाया जाता है। फिर आता है हमारा मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट मेनली फोर टाइप के होते हैं, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंग जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो हमारे शोल्डर और हमारे हिप में पाया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करता है। हम अपने शोल्डर को हिलाते हैं, मूव करते हैं, सर्कुलेट भी कर लेते हैं और अपने हिप्स को भी हिलाते हैं, तो ये हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू ही कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट हमारी नेक में पाया जाता है, हम जिसी के थ्रू ही हमारी जो हेड होता है, हमारी गर्दन होती है, वो मूव करते हैं। फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होते हैं वो हमारी नीज में, हमारी एल्बोज में पाए जाते हैं। आप सभी ने देखा हमारे जो पैर होते हैं उन्हें हम पीछे के साइड ही मोड़ पाते हैं, आगे के साइड नहीं मोड़ पाते, और हमारी जो एल्बो होती है उसे हम आगे के साइड मोड़ पाते हैं, पीछे के साइड नहीं मोड़ पाते। तो जो हिंज जॉइंट होते हैं वो वन साइड मूवमेंट ही अलाउ करते हैं। जैसे कि आपने डोर देखा होगा, डोर को जब हम ओपन करते हैं तो वो सिर्फ वन साइड ओपन होता है, तो ये हिंज जॉइंट का ही एग्जांपल है। तो इस तरह से हमारी एल्बो और हमारी नीज में हिंज जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जॉइंट बहुत ही कम मूवमेंट करती है, बिल्कुल ही जैसे दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं उस टाइप का मूवमेंट होता है इसका। तो ये हमारी टॉयज़ में पाई जाती हैं, हमारे पैर के पंजों में। आपने देखा ही होगा हमारे पैर के पंजे बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं होते हैं और चारों तरफ नहीं मूव कर पाते हैं, थोड़ा ही मूव करते हैं, तो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं।